हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, कौन से चैप्टर का? एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, हालांकि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, ये क्वेश्चन नहीं कराया था। सो देयर इज अ रिक्वेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो इसलिए आज हम ये करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन आप लोग को लगता हो कि डाउट हो या फिर नहीं हो पा रहा है और नहीं कराया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसे करवा दिया जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन नहीं इसलिए करवाया जाता है सो दैट कुछ प्रैक्टिस आप खुद से भी करें। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना आपका काम है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें ना कई सारी चीजें जो अभी तक हमने क्या क्या सीखा था कि ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में डालते हैं, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं और एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में डालते हैं, ये सब कुछ सबको याद हो गया होगा। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें ना एक नया एडजस्टमेंट आया है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। बाकी सारे जो एडजस्टमेंट है बैड डेट से रिलेटेड, लॉस बाय फायर से रिलेटेड, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, एक नया एडजस्टमेंट है। पहले हम उस एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। मैनेजर्स कमीशन, ये एक नया एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन कैसे कैसे दिए हो सकते हैं। मैनेजर्स कमीशन मान लो कभी ग्रॉस प्रॉफिट पे दिया हो, ठीक है, कभी सेल्स पे दिया हो, कभी नेट प्रॉफिट पे दिया हो, ठीक। अगर ग्रॉस प्रॉफिट पे दिया होगा तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और मान लो 10% बोला गया मैनेजर कमीशन, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट का 10% निकाल दोगे। सेल्स पे है तो जो सेल्स होगा उस पे निकाल दोगे। इन सब चीजों में कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है, इन सब चीजों में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है नेट प्रॉफिट वाले में, वो भी क्यों आती है ये बताऊंगी। मतलब इन दोनों को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये सिंपल है, हालांकि ये अभी आपके सिलेबस में भी मतलब कहीं पर किसी क्वेश्चन में नहीं आया है। अगर आता भी है तो आपको सिंपल सेल्स का अमाउंट निकाल के उसका परसेंटेज निकाल देना, उसमें कोई ट्रिक कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अगर 1,00,000 रुपए सेल्स है तो 1,00,000 का और 10% बोला गया कमीशन, तो 1,00,000 का 10% आप कमीशन दे दोगे, 10,000 रुपीज कमीशन हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों को तो कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों में। अब आते हैं नेट प्रॉफिट वाले पे। तो नेट प्रॉफिट में क्या होता है ये देखते हैं। नेट प्रॉफिट में भी ना दो तरीके से कमीशन दिए जाते हैं। क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है कि मैनेजर्स कमीशन टू बी चार्ज्ड एट 10%, ठीक है, बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट। एक ये हो सकता है बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट, और दूसरा इसी का ऑपोजिट हो सकता है, बिफोर की जगह पर लिखा होगा आफ्टर। बिफोर की जगह पर क्या लिखा होगा, आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट। ठीक है, कमीशन चार्ज करना है आपको रेट 10%, 10%, 20%, 5% जो भी क्वेश्चन में दिया हो, पर कहीं पर बिफोर चार्जिंग लिखा हो सकता है, कहीं पर आफ्टर चार्जिंग लिखा हो सकता है। ठीक, अब हम एक बार बिफोर चार्जिंग वाले को समझते हैं। बिफोर चार्जिंग वाला भी बिल्कुल सिंपल है, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मान लेती हूं आपका कि यहां पर आपका जो टोटल आया, जो क्रेडिट साइड का टोटल आया, वो आया 1,22,000। ठीक, ये क्या आया, 1,22,000, और यहां का अभी तक का टोटल आया 1,00,000। इसके बाद आपको क्या चार्ज करना है, मैनेजर्स कमीशन, ठीक, और ये मैनेजर्स कमीशन, और इसके बाद आएगा आपका नेट प्रॉफिट। इसके बाद क्या आएगा आपका, नेट प्रॉफिट। तो अभी ये कौन से केस की बात कर रही हूं मैं, बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट, जब बोला जाएगा कि आपको मैनेजर का कमीशन देना है नेट प्रॉफिट चार्ज करने के पहले। नेट प्रॉफिट चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट आ रहा है उसी पर आपको कमीशन चार्ज करना है। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि इधर का टोटल, ये टोटल है, ये जो मैंने बोला ये टोटल है, अभी प्रॉफिट की बात नहीं हुई है। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर
प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है? व्हाट इज हियर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है? 1,22,000 माइनस 1,00,000 है, 1,22,000 माइनस 1,00,000, यानी जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन की बात हो रही है वो प्रॉफिट कितना आएगा? 22,000 आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रॉफिट पहले कितना आया? 22,000। अब इस पर आपको 10% का कमीशन चार्ज करना है। आप 22,000 का 10% कमीशन निकाल दोगे, 22,000 का 10% कमीशन निकाल दोगे तो कितना आया? 2,200। तो आप क्या करोगे, यहां पर 2,200 कमीशन दिखा दोगे और फिर आप यहां पर नेट प्रॉफिट निकाल दोगे। ठीक है, अब आपका नेट प्रॉफिट इसके ऊपर का टोटल मैंने बताया था कितना है? 1,00,000 है। ठीक, क्लियर है बात? तो आपने क्या किया कि आपने मैनेजर्स कमीशन निकाल दिया, इस प्रॉफिट का 10% निकाल दिया, इस प्रॉफिट का 10%। बात समझ आ गई? तो ये जो प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट यहां पर तो हमें लिखना नहीं होता ना, यहां का टोटल था 1,22,000 से आपने 1,00,000 माइनस किया, कितना आया? 22,000। 22,000 का आपने सीधे सीधे 10% निकाल दिया। ये हो गया आपका मैनेजर का कमीशन। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी डेबिट का टोटल आएगा और जो भी क्रेडिट का टोटल आएगा, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करोगे, जो डिफरेंस आएगा उसका आपने 10% दिया तो 10%, 5% दिया तो 5%, 20% दिया तो 20%, जो भी दिया है वो निकाल दोगे आप, और वो आपका हो जाएगा क्या? मैनेजर्स कमीशन। और उसके बाद आप निकालोगे नेट प्रॉफिट, उसके बाद आप निकालोगे क्या हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट? इधर का टोटल तो 1,22,000 है, इधर क्या है? 1,00,000 प्लस 2,200, यही है ना? तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 19,800। ये माइनस 1,22,000 माइनस 1,22,000, है ना? क्लियर हो गई बात? तो ये हमने क्या किया, ये बिफोर चार्जिंग वाला, यानी बिफोर चार्जिंग में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको जैसे दिया है परसेंटेज में वैसे ही निकाल देना है। 10% निकालते कैसे? 10/100। 5% कैसे निकालते? 5/100। 20% कैसे निकालते? 20/100। ठीक, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये वाली बात तो सिंपल सिंपल हो गई। अब हम आते हैं अगले बात पे, जो थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है, वो ये है। अभी हम फिर से फिगर्स यही रखेंगे और इसी से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आफ्टर वाली बात पर आते हैं। इस पर बिफोर वाली बात खत्म ही हो गई, अब हम आते हैं आफ्टर वाले बात पर कि लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब पूरा सेंटेंस अगर मैं बोलूं तो पूरा सेंटेंस लिखा होगा मैनेजर्स कमीशन, कमीशन टू बी गिवन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक, ऐसी बात लिखी होगी, या फिर अभी जो आपका क्वेश्चन है उसमें एकदम सिंपल लिखा है, उसमें क्या लिखा है? कमीशन पेबल टू मैनेजर, कमीशन पेबल टू मैनेजर एट 10% नेट प्रॉफिट। अब इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया इन्होंने कि बिफोर है या आफ्टर है ना, लेकिन 10% नेट प्रॉफिट का बस इतना ही लिखा है। तो हमें क्या मानना है? हमें मानना है कि हम फाइनल जो नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर चार्जिंग वाला, उसका 10% निकालेंगे। अब देखो इसका जो रूल होता है ना, पहले वो रूल देखते हैं कि क्या होता है। उसका रूल बड़ा सिंपल सा है। उसका रूल ये है कि प्रॉफिट जो भी आया, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये होता है फॉर्मूला। मतलब अभी हमारे हिसाब से यहां पे क्या प्रॉफिट आएगा? 22,000 आया था ना जब हमने अभी किया था। 22,000 इनटू रेट क्या है? 10 अपॉन 100 प्लस रेट अगेन क्या है? 10। तो ये वाला जो हम कमीशन निकालेंगे, ये हम इस फॉर्मूले में रख के निकालेंगे। किसमें? इस फॉर्मूले में रख के। क्लियर?
अब सबके दिमाग में आएगा कि ये क्यों आ गया भाई, ये 110 क्यों कर दिया हमने, 22,000 × 10/110 ये हमने क्यों कर दिया। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमने क्यों किया है। आप इस बात को जरा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये हमने क्यों ऐसा फॉर्मूला क्यों बना दिया कि हमें 110 नीचे करना पड़े या 105 करना पड़े, या 100 अगर 85 है तो 105 हो जाएगा, अगर 820 है तो 120 हो जाएगा, तो हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। ठीक, देखो अभी तक यहां पर क्या था, यहां का टोटल था 1,22,000, ओके, और यहां का टोटल कुछ यहां पर लिख देती हूं मैं, 1,00,000 था। ठीक है, यहां का टोटल था 1,00,000, तो प्रॉफिट 22,000 आ रहा था, ये प्रॉफिट तो हर हालत में यही आएगा। मतलब अभी आपने मैनेजर्स कमीशन नहीं दिया है, अभी आपने मैनेजर्स कमीशन नहीं दिया है, और अभी इसके बाद नेट प्रॉफिट निकालना है। मैनेजर्स कमीशन माइनस करोगे तब आपका फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा, और तब आपका टोटल आएगा ये कुछ 1,22,000। ठीक है, ओके, तो मैनेजर्स कमीशन अभी आपको निकालना है और नेट प्रॉफिट भी नहीं मालूम है। अब इसका मतलब ये है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कह रहा है कि तुम नेट प्रॉफिट मुझे तब बताना जब तुम ये कमीशन माइनस कर देना, जब ये कमीशन माइनस कर देना तब तुम ये नेट प्रॉफिट बताना। अच्छा, ये कमीशन कैसे निकलेगा, ये बोल रहा है कि मुझे ये बिफोर वाले पे नहीं चाहिए कमीशन, मुझे किस पे चाहिए, आफ्टर वाले पे, जो फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा इस पे चाहिए मुझे कमीशन, ना कि इस पे चाहिए। ठीक है, मुझे पहले वाले पे जो तुमने माइनस करके निकालिया वो नहीं चाहिए, मुझे इस पे चाहिए। ठीक, अब आपको ये निकालने के लिए ये पता होना चाहिए, ये निकालने के लिए ये पता होना चाहिए, पता आपको दोनों ही नहीं है, नहीं है, पहले आप नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, हमें कोई तीसरा वे आउट निकालना पड़ेगा, हमें कोई तीसरा तरीका सोचना पड़ेगा, वरना ऐसे हम नहीं कर पाएंगे कि हमें ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है। और ये बोल रहा है कमीशन कि भाई हमें तो इस वाले प्रॉफिट पे चाहिए कमीशन, हमें इस वाले प्रॉफिट पे नहीं चाहिए, हमें जो तुम कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या तरीका सोचा जाए, तो इसके लिए इस चीज को ध्यान देना, ये कमीशन कितना बता रहे हैं, 10%, ठीक है, 10% बता रहे, तो जो बाद वाला नेट प्रॉफिट होगा, जो बाद वाला नेट प्रॉफिट होगा ये 100% होना चाहिए, ये 100% ही होना चाहिए ना। ठीक है, अब बिफोर चार्जिंग तो उतने का उतना है, ये 100% होना चाहिए, तो बोल रहे हैं कि 10% मुझे दो। ठीक है, और 10% मुझे कमीशन चाहिए। अब जरा सा हम इस चीज को एक अलग एंगल से सोचने की बात करते हैं। मान लो कि आपके पास कुछ रुपए हैं, क्वेश्चन मार्क रुपए हैं, उसमें से आपने 50 रुपए किसी और को दे दिए, खर्च कर दिए, क्या कर दिए, खर्च कर दिए, और अब आपके पास बचे कितने, 300 रुपए। ठीक है, अब आपके पास क्या बचे, 300 रुपए बचे। ठीक, तो यहां पर आपके पास कितने रुपए थे, आपके पास कितने रुपए थे, आपने 50 खर्च कर दिए और बचे आपके पास 300 रुपए, तो आपके पास कितने थे, आपके पास थे 350 रुपीज। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आपके पास कितने थे, 350 रुपीज, 50 देने के पहले आपके पास कितने रुपए थे, 350। ऐसे ही यहां पर आपके पास अभी 100 है, ठीक है, और 10 आपने दे दिए, 10 देने के पहले आपके पास कितने होंगे, 10 देने के पहले आपके पास कितने होंगे, 110 होंगे, है ना, 10 दे, अभी जब तक आपने दिया नहीं था तब तक कितने होंगे, 10, तब तक आपके पास अब 110 होंगे 10 देने के पहले। ठीक है, तो ये आप ये वाला लॉजिक लगाओ सिंपल, और यहां पर इसीलिए कि वो कमीशन देने के पहले, ये कमीशन देने के पहले हमारा प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, उस लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, कॉमर्स ने ये फॉर्मूला डिराइव किया, और इस हिसाब से अब हम आफ्टर वाला जो भी कमीशन निकालना होता है वो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये 10 है, कहीं पर 5 होगा, कहीं पर 20 होगा, तो आपको सिंपल अब क्या याद रखना है, लॉजिक समझ आ गया,
अब आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर रेट 5 है तो प्रॉफिट इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5, क्योंकि ये 5 देने के पहले कितना होगा, ये 5% अगर कमीशन दिया तो इसके पहले का कमीशन कितना होगा, 105%, इसके पहले का प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये 20 दिया तो इसके पहले का कितना होगा, 120। आई बात समझ में? तो ये आपके मैनेजर्स कमीशन का कॉन्सेप्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की बात। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मैनेजर्स कमीशन। आपको अगर, अब एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अगर आपको क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 22,000 है, ये 22,000 मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने शुरू से एक एग्जाम्पल ले दिया है, 22,000 है और ये बोला गया है मैनेजर कमीशन चार्ज करो बिफोर चार्जिंग नेट, ठीक है, सच कमीशन, नेट प्रॉफिट ऐसा लिखा होता है कि चार्ज मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, एज द रेट 10% है। तो बिफोर चार्जिंग में आप क्या करोगे, ये कर दोगे, ठीक है। और अगर यही चीज लिखा होगा कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब आप क्या कर दोगे, तब आप ये कर दोगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें दो और नए वो है एडजस्टमेंट्स, एक लॉस बाय फायर का है, हालांकि लॉस बाय फायर मैंने बाकी के क्वेश्चन पे बता दिया है, पर फिर भी हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो हम सबसे पहले ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद ट्रेडिंग। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 29170, टू परचेज और कुछ रिटर्न भी है परचेज का, 95015 माइनस 1100, ओके, एंड दिस इज 93915। फिर कुछ और चीजें हैं, प्रोडक्टिव वेजेस हैं, प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे इसलिए वो कहां जाएंगे, ट्रेडिंग में जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग में जाएंगे। अमाउंट इज 31790। देन फ्राइट इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, इसको फ्रेट प्रोनाउंस करते हैं, फ्रेट इनवर्ड्स, ओके, सो फ्रेट इनवर्ड्स इज 2470। देन मैन्युफैक्चरिंग आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट इनवर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फ्रेट आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट, सो इनडायरेक्ट विल गो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 11,000, ओके, देन क्रेडिट साइड पे आते हैं, सेल्स माइनस रिटर्न, सो बाय सेल्स इज 246700 माइनस 3128, यही है ना, अमाउंट चेक करते रहना आप लोग, 243572, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक और उसके पहले आएगा बाय लॉस बाय फायर, आग लगी है ये वाला हमने डिस्कस तो कर लिया, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं आग लगने में क्या होता है। तो जब गुड्स लॉस बाय फायर हुए आपके तो कितने रुपए के फायर हुए, गुड्स का नुकसान कितने का हुआ, 1500 का, और फर्नीचर का
ठीक है, आग लगी थी पहली बार, और जब आग लगी थी तो 1500 रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था और 3000 रुपए का फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ था। 3000 रुपए का क्या हुआ था? फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ था। बात समझ आ गई? तो अब हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं? अगर सिर्फ गुड्स की बात है, अगर सिर्फ गुड्स की बात है, आप कहां लिखाओगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। मैं अभी सिर्फ गुड्स की बात कर रही हूं। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्या दिखाओगे? पूरा का पूरा गुड्स जितना नुकसान हुआ है, पूरा का पूरा गुड्स जितना नुकसान हुआ है। ठीक है, फर्नीचर हम यहां नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? कोई लॉजिक है किसी के पास? क्योंकि फर्नीचर इज एन एसेट। हम उस चीज की बात कर रहे हैं कि जिसकी हम ट्रेडिंग करें। ये गुड्स हमने परचेज में, इस परचेज में खरीदा होगा और फिर नुकसान हो गया, तो हम इसको पहले तो क्रेडिट साइड में दिखा के हम उस परचेज का इफेक्ट खत्म कर रहे हैं। हमने जितने का आग लगा था उसका इफेक्ट हम खत्म कर रहे हैं यहाँ क्रेडिट साइड में दिखा के। ठीक है, गुड्स लॉस बाय पायल का क्या रूल था कि ट्रेडिंग में पूरा का पूरा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाता है, फुल अमाउंट है ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट में फुल अमाउंट जाता है, जितने का भी लॉस हुआ है पीएनएल के डेबिट में वो अमाउंट जाता है जितना एक्चुअल लॉस हुआ। यानी अगर कुछ इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है तो वो आप उसमें से इसको माइनस कर दोगे और जो पैसा नहीं मिल रहा है वो जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में। जैसे इस केस में आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो पीएनएल के डेबिट साइड में कितना जाएगा? 500 रुपए जाएगा। और बैलेंस शीट के एसेट में कितना जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा 1000 रुपए। बात समझ आ गई? मैंने क्या बोला? 1500। अभी फर्नीचर की बिल्कुल बात नहीं कर रही, इसको छोड़ दो। गुड्स लॉस बाय फायर है, ठीक है। तो 1500 का नुकसान हुआ, 1500 पूरे ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, 1500 में से 1000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। जो पैसा हमारा एक्चुअल लॉस है, 1500 में से 1000 रुपए तो मिल जा रहे हैं, एक्चुअल लॉस कितना है? 500 रुपए, वो पीएनएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। क्लियर है? और अब हम फर्नीचर वाले केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्नीचर को हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो हमने गुड्स ट्रेडिंग नहीं की थी। गुड्स तो खरीदते हैं हर साल फिर बेचते हैं, ये एसेट है। कुछ एसेट जल गया, ठीक है, तो इसको हम पहली बात तो फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। जो फर्नीचर होगा उसके, जो फर्नीचर का अमाउंट जो हम एसेट में डालेंगे, जैसे हम डेप्रिसिएशन करते हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे। ये कितना है? 3000 है फर्नीचर का लॉस, ठीक है। ये 3000 हम माइनस कर देंगे किसमें से? एसेट में से, ठीक। और इस 3000 में से 2000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। पहली बात, ये 3000 माइनस हो जाएगा फर्नीचर में से। दूसरी बात, ये 2000 फिर से एसेट में आ जाएगा क्योंकि ये पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, और जो एक्चुअल लॉस है 1000 वो फिर से पीएनएल के डेबिट साइड में आ जाएगा। आई बात समझ में? 3000 रुपए पूरा का पूरा फर्नीचर में से आप माइनस कर दोगे, ठीक है। और 2000 रुपए जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है वो आप एसेट मान लोगे क्योंकि वो पैसा मिलने वाला है। और 1000 रुपए जो एक्चुअल लॉस हुआ है, 3000 का नुकसान हुआ था, 2000 मिल रहे हैं, 1000 जो लॉस हुआ है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल दोगे। ये था आपका लॉस बाय फायर का ट्रीटमेंट। तो अब हम क्वेश्चन जल्दी से करना स्टार्ट करते हैं। लॉस बाय फायर डाल दिया मैंने 1500 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक है 6500। कितना है? सॉरी 6100 है, 6100। अब आप जरा सा टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालें जल्दी जल्दी। क्या टोटल आ रहा है सबका? आई डोंट नो, आई नीड टू डू इट। चल 2,4,3,5,7,2 प्लस 1500 प्लस 6100, इट इज 2,5,1,1,7,2। अब इसमें से आप ये माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आना चाहिए? माइनस भी कर ही लेते हैं जल्दी से। -9,3,9,15 -9,0 -2,4,7,0 -11,000। यस, सो हेयर ग्रॉस प्रॉफिट इज 8,2,11,000।
8 to 7 यही आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहां कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को अभी तक होपफुली, ये हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो अब पीएनएल में क्या चीजें जाने वाली हैं, सबसे पहले सैलरीज है, टू सैलरीज कितना है 15040, देन फ्रेट आउटवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है ये कितना है 2000, फिर इंश्योरेंस है ये है 3000, देन जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है 6630, ठीक है, कमीशन 989, ठीक है। अभी मैं बैड डेट्स पे नहीं आई हूं, आ रही हूं उस पर, डोंट वरी। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस है कितना 460, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बोला गया एडजस्टमेंट में, मशीनरी 16500 की है तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा 1650, ठीक है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर आपका दो चीज है, पहला 1500 रुपए, ठीक है, सॉरी 500 रुपए, 500 रुपए जो नहीं मिला जो मैंने अभी बताया, और दूसरा 1000 जो फर्नीचर का नहीं मिला, 500 रुपए जो गुड्स का नहीं मिला और 1000 जो फर्नीचर का नहीं मिला, तो ये हो गया आपका लॉस। हाँ जी, तो हम कर रहे थे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर में 500 रुपए जो गुड्स का नहीं मिला और 1000 रुपए जो फर्नीचर का नहीं मिला, ये डाल दिया हमने, क्लियर है। अब हमारा क्या रह गया, एक तो बैड डेट्स रह गया और दूसरा मैनेजर्स कमीशन रह गया। तो सबसे पहले बैड डेट्स देखो, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में कुछ दिया है, कितना दिया है, बैड डेट्स इज गिवेन 1300, ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है। क्रेडिट साइड में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्रेडिट में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये कितना लिखा है, ये है 6200, ठीक है 6200, और एडजस्टमेंट में लिखा है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स, क्रिएट प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स, किस पे करना होता है, डेटर्स पे करना होता है, क्लियर है। और डेटर्स है कितने, डेटर्स का अमाउंट कितना है, तो डेटर्स का अमाउंट है 67360, बात समझ आ गई, इतनी चीज तो आपको गिवन है, ठीक है। आपको करना क्या है इसमें, आपको क्रिएट करना है प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स, सिंपल, ये दोनों चीजें आपकी ट्रायल बैलेंस में ही दी हैं, ये दोनों चीजें आपकी ट्रायल बैलेंस में ही दी है, ये डेबिट साइड में है और ये क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में दी है तो हमें यहां पर कुछ भी घटाने जोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही बताया है मैंने, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तब हमें शायद ये माइनस माइनस करना पड़ता। आप आगे के क्वेश्चंस को भी चेक कर लेना, 14, 15, 5th भी बैड डेट्स के लिए स्पेशली है, तो बैड डेट्स कई सारे क्वेश्चंस में कवर किया और स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, ठीक है। तो आप उनको जरूर से चेक कर लेना, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, कोई नया ज्वाइन हुआ है तो, ठीक है। तो ये है आपका डेटर्स, आपको इसमें क्या करना है, 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, तो डेटर्स का 5% निकाल लो, ठीक है, डेटर्स का 5% निकाल लिया, कितना आ रहा है ये 18, 75 by 36, 3368 यही आ रहा है, ठीक है। तो आपने 5% प्रोविजन आपको क्रिएट करना था, आपने क्या किया, निकाल लिया।
अब तरीका क्या होता है, तरीका होता है कि बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, यही होता है ना, ये तरीका बताया है मैंने, बैड डेट माइनस प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। बैड डेट कितना है 1300, न्यू प्रोविजन कितना है 3368, और ओल्ड प्रोविजन कितना है, ओल्ड प्रोविजन है 6200। ठीक है, तो ये तो प्लस करना है आपको और उसके बाद ये माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1532। लेकिन ये 1532 नेगेटिव में आ रहा है ना, ये 1532 क्या है, नेगेटिव में आ रहा है। क्लियर, तो नेगेटिव में आ रहा है, तो यहां पर नेगेटिव में लिखने के बजाय हम यहां कर देंगे क्रेडिट साइड में पॉजिटिव में। ठीक है, हमें नेगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर सीधे बाय प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स कितना 1532। ये भी बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हमारा ये सारा भी काम हो गया। अब बचा फिर से मैनेजर्स कमीशन, जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में समझाया है मैनेजर्स कमीशन का कॉन्सेप्ट, अगर कोई ड्रैग करके यहां तक आ गया तो पहले जाके मैनेजर्स कमीशन के कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, अब इसमें आपका लिखा है क्रिएट प्रोविजन कमीशन पेबल टू मैनेजर एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसको हमें क्या मानना है कि आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट, जो मैंने बताया था शुरू में, आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट, आपको ये कमीशन कब देना है, कमीशन पेबल आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट। क्लियर, अब देखो इधर का टोटल करोगे, पहली बार इधर का टोटल करोगे, इधर का टोटल करोगे, जो भी एक ही इधर का टोटल किया और इधर का पहले टोटल कर लिया आपने, बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। फिर से मैं वही चीज समझा रही हूँ जो मैंने शुरू में समझाया था, शुरू में मैंने 22,000 का एग्जांपल देके समझाया था, अभी आप एक्चुअल पे देखो। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 84359, ये क्रेडिट का टोटल है। ठीक, अब डेबिट साइड का टोटल देखते हैं, तो अभी तक जो डेबिट का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 31269। ठीक है, क्रेडिट का टोटल इतना है और डेबिट का टोटल इतना है, करेंगे इसको हम माइनस तो कितना आएगा, फाइव थ्री जीरो नाइन जीरो। ये जो प्रॉफिट है आपका, ये जो प्रॉफिट है दैट इज बिफोर पेइंग कमीशन, अभी आपने कमीशन नहीं दिया है, अभी आपने कमीशन नहीं दिया है ना, तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है आपका, ये क्या है, अभी यहां के टोटल से आपने यहां के टोटल को माइनस कर दिया तो आपका ये प्रॉफिट आ गया। अब बोला जा रहा है इस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट तो जो भी है, इसके बाद आपको क्या देना है, यहां पर मैनेजर का कमीशन देना है, मैनेजर्स कमीशन, और उसके बाद आएगा आपका फाइनल नेट प्रॉफिट। बात समझ आई, मैनेजर का कमीशन देना है और उसके बाद देना है आपको क्या, नेट प्रॉफिट। ठीक है, हमें पहले वाला प्रॉफिट पता है, कमीशन देने के पहले वाला प्रॉफिट पता है हमें, ठीक है, लेकिन बाद वाला हमें नहीं पता है, ये वाला प्रॉफिट नहीं पता, बोल रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये इस वाले प्रॉफिट पर दो, मुझे उस पर नहीं चाहिए, इस वाले पर चाहिए। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मुझे कमीशन बताओ तब तो मैं निकलू, मुझे कमीशन नहीं बताओगे तो मैं कैसे निकल पाऊंगा, तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए हैं पूरी तरह से। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक तरीका निकालना होगा। हमने क्या मान लिया था कि भाई ये अगर 10% है और ये क्या है 100% है, ठीक है, तो 10 देने के पहले ये कितना होगा 100, जब 10 नहीं दिया था, जब तक ये 10 नहीं दिया था तो ये कितना रहना चाहिए था 110, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसी चीज को अप्लाई करते हुए इस पर 10 अपॉन पहले कितना रहा होगा 110, तो हम ये तरीके से ये प्रॉफिट मैनेजर का कमीशन निकालेंगे। क्लियर है, इसका पूरा डिटेल में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया इस वीडियो के,
आप इस वीडियो का स्टार्टिंग देखोगे, उसको मैंने समझा रखा है कि मैंने कैसे कैसे इसको बताया है, ठीक है। तो इंटू 10 बाय 110, क्लियर। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कुछ 4826। तो अब आपका मैनेजर कमीशन आ गया 4826। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट के टोटल से, क्रेडिट का जो टोटल आ रहा है 84359, इसमें से आपको ये सारा टोटल माइनस करना है तो आपका नेट प्रॉफिट क्या आएगा, ठीक है। आप चेक कर लो, आपका नेट प्रॉफिट आएगा 48264, क्लियर बात, ठीक है। ये स्टार्टिंग में भी समझा दिया गया है, यहां पर भी समझा दिया गया, स्टार्टिंग वाले वीडियो को इसी वीडियो के स्टार्टिंग में ढंग से देख लो उसे, ठीक। तो अब आपका नेट प्रॉफिट आ गया। नाउ वी हैव टू मूव टू बैलेंस शीट, नाउ वी हैव टू मूव टू बैलेंस शीट, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बैलेंस शीट कर लेते हैं, बैलेंस शीट में कुछ है नहीं ज्यादा। अच्छा, मैनेजर कमीशन एक यहां पर जाता है, दूसरे और दूसरा लाइब्रेरी में भी जाता है, क्यों, क्योंकि आप नेट प्रॉफिट निकालने के बाद दे रहे हो कमीशन, मतलब अभी आपने दिया नहीं है, वो अभी आपको देना है ना। अगर आप अभी नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करो और अभी पता कर रहे हो कि कमीशन कितना है, तो ऑब्वियस है कि आपको वो देना बाकी है, और अगर कोई चीज देनी बाकी है तो वो क्या हो जाती है, वो लाइबिलिटी हो जाती है, क्लियर बात है ये, ठीक है। अगर आपको कुछ भी अभी देना पेंडिंग है तो व्हाट इज दैट, दैट इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो अब हमारा बैलेंस शीट जल्दी जल्दी बन जाएगा, अब इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या चीजें दी हुई हैं देखते जाइए। सबसे पहले लाइबिलिटीज में कैपिटल डालेंगे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना था 48264, है ना, यही था ना, और कैपिटल है 60,000, तो ये हो गया 108264, ठीक है, ये तो हमने डाल दिया। और लाइबिलिटी साइड में और देख लेते क्या है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है कितना है 18160, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, ठीक है, और एक मैनेजर्स कमीशन जो अभी हमने निकाला है वो भी है, वो जो हमने निकाला है वो भी लाइबिलिटी है क्योंकि अभी तक दिया नहीं, दैट इज पेबल नॉट पेड, ठीक है। बैंक लोन इज 10,000, बिल्स पेबल इज 12,000, ये हो गया लाइबिलिटी साइड, आप इसका टोटल कर सकते हैं, ठीक है। एसेट साइड पे आ जाते हैं, बिल्डिंग मशीनरी, मशीनरी पे तो डेप्रिसिएशन भी था, बिल्डिंग हो गया 27,000 का, ठीक है, मशीनरी 16,500, और इसमें से डेप्रिसिएशन दिया था 10% का 1650, कितना आ रहा है 14850, ठीक। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर में क्या हुआ था, आग लग गई थी, आग लग गई थी ना, तो फर्नीचर में डेप्रिसिएशन तो कुछ भी नहीं है लेकिन आग लग गई थी, तो ये क्या हो गया, माइनस करेंगे क्या चीज, लॉस बाय फायर, जितने की आग लगी थी इतने का फर्नीचर चला गया ना बिजनेस से, तो ये पूरे का फर्नीचर आपका 3,000 का चला गया, ठीक है, बात समझ आ गई, आपका पूरे का फर्नीचर क्या हुआ, चला गया बिजनेस से, ठीक है। अगर आपको डेप्रिसिएशन देना होता फर्नीचर पे तो आप इस वाले फर्नीचर पे लगाते ना कि इस पे, क्योंकि ये इतना तो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट गुडविल है 27142, देन डेटर्स 6,7360, और क्या माइनस करना होता है इसमें से,
जो प्रोविजन एडजस्टमेंट में दिया है सिर्फ वो प्रोविजन माइनस करना होता है ना। जो ट्रायल बैलेंस में है वो नहीं माइनस करना होता है, जो एडजस्टमेंट में दिया है सिर्फ वही वाला हमें माइनस। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस वाला ऑलरेडी एडजस्टेड है, तभी वो ट्रायल बैलेंस में है ना। उन्होंने एडजस्ट करने के बाद ही वो बना के आपको दिया है। जो एडजस्टमेंट में है मतलब वो एडजस्ट करना रह गया है, ठीक है। आप कैलकुलेशंस वगैरह जरूर से चेक करते रहना। देन बैंक, बैंक बैलेंस, बैंक चार्जेस खर्चा होता है और बैंक बैलेंस एसेट होता है। बैंक चार्जेस को मैंने खर्चे में डाला था और बैंक बैलेंस एसेट है, ठीक है। कुछ कैश कितना है 721, ठीक है। और क्या बचा? इसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी वो आपका एसेट है। इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी वो एसेट है। वो कितना है? इंश्योरेंस कंपनी कितना रुपए दे रही है? 1000 रुपए तो वो गुड्स का दे रही है और 2000 रुपए वो फर्नीचर का दे रही है, तो वो आपका एसेट है। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 6100, ठीक। इसका टोटल कर लो आप देख लो आपका आंसर कितना आ रहा है। मैंने कर रखा है, मैं बता देती हूँ कितना आ रहा है। दैट इज 153250। ओके, सो दिस वॉज द होल क्वेश्चन। आई होप समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हो। कोई और क्वेश्चन अगर आपको लगता है नहीं समझ आया और नहीं कराया गया, आप पूछ सकते हो, कॉमेंट सेक्शन में करवा दिया जाएगा, ठीक है। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।